कंप्लेंट कराए तो कोई नहीं बोल सकता है। तो सर फिर हमारा विश्वास जाता है, वार्ड वाले बोलते हैं आपको नहीं लेके जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा आराम से, बिना बामा सर के हो जाता है, आपको लेके जाते हैं तो होता नहीं है बामा सर। कैसे आते हैं रेस्क्यू में साइन करके चले जाते हैं? उनके सामने तो वो बोलते हैं कि जाओ आप, गर्भवती बोलती है हम अकेले आएंगे तो टीका अच्छे से लगाएंगे, आप आते हैं साथ में तो और इन हमारी इंसर्ट और करते हैं, खड़ा भी नहीं रहने देते हमें यहाँ पे सही ढंग से। जीत हो गए 41 और 42, जिसको 42 को पीएचसी मंडेता से जोड़ा गया है उसमें जहाँ मैं एनसी करवाने जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि आपका नाम शोर नहीं हो रहा, और यहाँ पे लाती हूँ तो बोलते हैं 42 नंबर में लेके जाओ, और मेरे बिना कोई गर्भवती आती है और वो एनसी करवाती है तो उसकी बहुत आराम से होती है, तो और वो लोग कहते हैं कि हमारा काम तो आपके बिना ही आसानी से हो जाता है। हम उनको मोटिवेट करते हैं, मामा सा बनवाते हैं, खाता खुलवाते हैं, उसके बावजूद वो एनसी यहाँ आके करवा के जाती है। ऐसा है कि ये जो शिकायत है मुझे आज पहली बार मिली है, ये शिकायत मुझे पहली बार मिली है और मेरे पास करीब 11 आशा सहयोगिनी आई हैं जो ये शिकायत कर रही है। हम लोग जो दोषी कर्मचारी हैं उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और उसको इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो आशाओं के साथ में सौहार्दपूर्ण बातचीत करें और उनके साथ में सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएं।